नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूँ आरती शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ का मंत्रालय कर्मचारियों को समर्थन। युवा मोर्चा के जिला मंत्री के आकस्मिक निधन पर भाटकर युवा मोर्चा जालोर द्वारा आयोजित की शोक सभा। जालोर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। मांडवला में वीर माया मेघवाल की मनाई जयंती। भीनवाल में वाहन के टायर फटने पर उछली कंक्रीट से दुकान के शीशे टूटे। जसनपुरा में श्रीराम सेना ने भरी हुकार, निकाली वाहन रैली। भाजपा उम्मीदवार द्वारा मांडवला में किया पौधारोपण। बेंगलुरु में आयोजित हुआ आंजना पटेल संघ का सम्मान समारोह। जालोर में प्रतिभाएं लगी उभरने, गायक विजय सिंह भी आए यूट्यूब पर। जालोर से जसोल माजिसा के लिए रवाना हुआ पैदल यात्रा संघ। वीर शांतिनाथ महाराज की पांचवी पुण्यतिथि पर होगा गोवा में कार्यक्रम का आयोजन। गणपति महोत्सव में भजन संध्या के साथ विसर्जन की रही धूम। रामसा पीर के उत्सव को लेकर राजस्थानी प्रवासियों की धूम। और अब समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ का मंत्रालय कर्मचारियों को समर्थन। अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ जालोर की बैठक आज रविवार को हनुमानशाला में जिला अध्यक्ष रमजान खां की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सरकार से सातवें वेतन आयोग की मांगे मानने का आग्रह करते हुए संगठन की सदस्यता बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को कोचिंग व स्टेशनरी उपलब्ध करवाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के पश्चात सभी सदस्यों ने जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर जाकर मंत्रालय कर्मचारियों के आंदोलन में सहयोग देने और हर समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात की। युवा मोर्चा के जिला मंत्री के आकस्मिक निधन पर भारतीय युवा मोर्चा जालोर द्वारा आयोजित की शोक सभा। भारतीय युवा मोर्चा के जिला मंत्री सोमतमल मालिकी 19 अगस्त को वाहन दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर युवा मोर्चा जालोर द्वारा आज मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सोमतमल मालिकी तस्वीर के समक्ष जालोर विधायक अमृता मेघवाल, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सुरेश चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत ने माला एवं पुष्प चढ़ाकर 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर विधायक अमृता मेघवाल ने अपील करते हुए कहा कि हमें हर कहीं दुर्घटना से घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय देना चाहिए। जालोर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जालोर ने आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, विधायक अमृता मेघवाल, नगर अध्यक्ष ओबाराम देवासी, महिला मोर्चा के सरजू बाला मत्तड़ व रेखा माली सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने आज खेलों में आगे बढ़ने एवं खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता का संदेश दिया। मांडवला में वीर माया मेघवाल की मनाई जयंती। जसराज पुच्छल की रिपोर्ट के अनुसार सायला के मांडवला गांव में शनिवार को मेघवाल समाज द्वारा अपने आराध्य क्रांतिकारी संत वीर माया मेघवाल की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान एवं सामूहिक छुट्टी रख गांव में स्थित रामदेव मंदिर से शोभा यात्रा निकाल संत को याद किया। भीनवाल में वाहन के टायर फटने पर उछली कंक्रीट से दुकान के शीशे टूटे। दोलचंद सोनी की जानकारी के अनुसार भीनवाल में कुल्फी फैक्ट्री रोड पर सड़क पर पड़े खड्डे में पीडब्ल्यूडी द्वारा कंक्रीट डाल रखी थी, जिसके कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी मुश्किलें हो रही है। ऐसे में आज प्रातः एक वाहन का टायर फट जाने से रोड के खड्डे में बिछी कंक्रीट उछल कर पास की दुकान के ग्लास पर लगने से ग्लास टूटकर बिखर गया। यह तो गनीमत रही कि इसको लेकर किसी को कोई चोट नहीं आई। पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसके चलते दुर्घटना के हालात बने रहते हैं। समाचारों का सिलसिला जारी है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाकोड़ा टाइल्स,
टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। भाजपा उम्मीदाबाद द्वारा मांडवला में किया पौधारोपण। सहला के मांडवला गांव में विश्वकर्मा मंदिर पर भाजपा मंडल उम्मीदाबाद के तत्वावधान में गणपत सिंह बगेड़िया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में नाथू सिंह तीखी, हुकम सिंह चौहान, लाखाराम चौधरी, तेजाराम मेघवाल, शंकर सुथार, लाल सिंह चौहान, उत्तम चंद गर्ग व मोहनलाल माली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बेंगलुरु में आयोजित हुआ आंजना पटेल संघ का सम्मान समारोह। बेंगलुरु में आंजना पटेल संघ बेंगलुरु के तत्वावधान में शनिवार 26 अगस्त को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में अखिल भारतीय आंजना महासभा के महामंत्री एवं राजाराम शिक्षण संस्थान जोधपुर के सचिव जोगाराम पटेल का सम्मान किया गया। महामंत्री जोगाराम पटेल ने समाज उत्थान में शिक्षा के अहम योगदान की महत्ता बताते हुए शिक्षा पर जोर देने की बात कही। महामंत्री ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए बेंगलुरु समाज की ओर से 21 लाख रुपयों की दान राशि भेंट की। इस मौके पर समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जालोर में प्रतिभाएं लगी उभरने, गायक विजय सिंह भी आए यूट्यूब पर। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिलने से उन प्रतिभाओं को अब अवसर मिलने लग गया है जो कल तक अवसर ना मिलने के कारण उनका हुनर कहीं अंधेरे में खो जाता था। एक ऐसे ही प्रतिभाशाली जालोर शहर के गायक विजय सिंह परमार सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपना गाना हमारी अधूरी कहानी का कवर सॉन्ग गाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने पहुंच गए हैं। विजय सिंह के द्वारा गाए इस कवर सॉन्ग को रिकॉर्ड किया है रवि सोनी ने। एडिटर है प्रिंस दुर्गावत। साथ ही इस एल्बम में नेहा असवानी और इमरान खान सिलावट ने साथ देकर इस कवर सॉन्ग को और भी निखारा है। जालोर से जसोल माजिसा के लिए रवाना हुआ पैदल यात्रा संघ। सुरेश वैष्णव की जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को जालोर से जसोल माजिसा के लिए पैदल यात्रियों का संघ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रवाना हुआ। पीर शांतिनाथ महाराज की पांचवी पुण्यतिथि पर गोवा में होगा कार्यक्रम का आयोजन। गोवा से मान सिंह की जानकारी के अनुसार राजस्थान राजपूत क्षत्रिय संघ महापसा गोवा के तत्वावधान में पीर शांतिनाथ महाराज की पांचवी पुण्यतिथि पर गोवा में 7 सितंबर को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। गणपति महोत्सव में भजन संध्या के साथ विसर्जन की रही धूम। गाजियाबाद के प्रसिद्ध सिद्धपीठ दुग्धेश्वर नाथ मठ में गणपति लड्डू महोत्सव पर राजस्थान प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया। महोत्सव के दूसरे दिन प्रातः महंत नारायण गिरिजी महाराज एवं मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष व महोत्सव के आयोजक धर्मपाल गर्ग संघ गिन्नी देवी राजस्थान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ कई बड़े जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। महंत नारायण गिरिजी महाराज ने कहा कि गणेश उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। समाज द्वारा गणेश विसर्जन का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विशाल शोभा यात्रा के साथ गणपति का विसर्जन किया गया। वहीं आज जालोर शहर में गणपति विसर्जन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा के साथ किया गया। बागरा में गणपति मित्र मंडल द्वारा बस स्टैंड पर गणपति महोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। बेंगलुरु के जिंगड़े मार्केट में गणपति महोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन किया गया।
वहीं सायला के थलवाड़ में गणेश पर्व पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भावेश गोस्वामी ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। घर में भी हम तेलंगाना में वरंगल शहर में प्रवासी राजस्थान बंधुओं ने गणेश महोत्सव को लेकर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। पांडिचेरी में गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पीर के उत्सव को लेकर राजस्थानी प्रवासियों की धूम। दिल्ली में रामदेव महासंघ द्वारा बाबा रामदेव के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में राजस्थानी प्रवासी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। कोयंबदूर में बाबा रामदेव मेला आयोजन को लेकर वर घोड़ा और वाहन से रैली निकाली गई, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाबा रामदेव राजस्थानी मित्र मंडल द्वारा हैदराबाद में बाबा रामदेव का विशाल जागरण का आयोजन हुआ। अहमदाबाद में भी राजस्थानी प्रवासियों द्वारा बाबा रामदेव भजन संध्या का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। बेल्लारी में बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या में गायक टिंकल वैष्णव एंड पार्टी ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। चेन्नई में राजपुरोहित बाल संस्कार शाला द्वारा बाबा रामदेव की विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली समुद्र मुदली स्ट्रीट खेतेश्वर भवन से रवाना होकर शहर के विभिन्न स्थलों से होते हुए रामदेव मंदिर पहुंच धर्म सभा में विलीन हुई। वहीं भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा चेन्नई में बाबा रामदेव के नाम रैली का आयोजन किया गया। रैली श्रृंगेरी मठ कोड़ी तोप से बाबा रामदेव मंदिर साहूकार पेट तक निकाली गई। साथ ही बाबा रामदेव सेवा मंडल जागित्याल द्वारा जागित्याल में बाबा रामदेव भजन संध्या का आयोजन हुआ। कोयंबूर में राजस्थानी प्रवासियों द्वारा रामपीर का भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जो बाबा के मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचा। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में, आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की समाचार खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।